आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन ऑनलाइन आवेदन करके कैसे ले सकते हैं। उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन ऑनलाइन आवेदन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको सरकार के द्वारा समय समय पर फ्री में गैस सिलेंडर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। उज्ज्वला योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इस पेज का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। जिला योजना का कनेक्शन लेने के लिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसके तीन ऑप्शंस होंगे, यानी कि तीन सिलेंडर्स होंगे। तो फ्रेंड्स, आप जिस भी गैस कंपनी का उज्ज्वला कनेक्शन लेना चाहते हैं, आपको उस पर क्लिक करना है। तीनों में ही सेम प्रोसेस है। तो आप सकते हैं, या मैं आपको HP की से दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप जिसका भी लेना चाह रहे हैं, आपको उसी के सिलेंडर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, ये आपको आगे ले आएगा और आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। इस इंटरफेस पर आने के बाद यहाँ पर आपको इसके सारे ऑप्शन होंगे। उज्ज्वला योजना का न्यू कनेक्शन लेने के लिए यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन होगा, रजिस्टर फॉर LPG कनेक्शन। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, फिर से आपको आगे ले आएगा और आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन होंगे, रेगुलर कनेक्शन रजिस्ट्रेशन और दूसरा आ रहा है उज्ज्वला बेनिफिशरी कनेक्शन। तो फ्रेंड्स, आपको दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना है। तो यहाँ पर जो भी चेकबॉक्स आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके कंसेंट देंगे। जैसे फ्रेंड्स आप कंसेंट देंगे तो यहाँ पर नीचे आते हैं और ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर जो भी आपका लोकल का डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी कि जो भी आपकी गैस का कंपनी का जहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो आपको सर्च करना है। वो आप नेम के द्वारा और लोकेशन के द्वारा सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए जो भी ईजी हो, आप उसे सर्च करेंगे। तो यहाँ मैं आपको लोकेशन के हिसाब से सर्च करके दिखाऊंगा। लोकेशन के हिसाब से आप अपने नियर बाई का सर्च कर सकते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स आप लोकेशन वाइज ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इसके ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ रहा है स्टेट। तो फ्रेंड्स, आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट स्टेट पर। क्लिक करने के बाद जो भी आपका स्टेट है, वही आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप फिर से नीचे आएंगे तो दूसरा ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, वही आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर से आप नीचे आएंगे तो यहाँ आ रहा है सिलेक्ट ए डिस्ट्रीब्यूटर। तो फ्रेंड्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे। जो भी आपका नियर बाई डिस्ट्रीब्यूटर है, वही आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर आपके डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा एड्रेस होगा। यदि आपके ये नियर बाई डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है तो फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अंत आप यहाँ पर फिर से अपना डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करके देख सकते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आगे ले आएगा और आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। इंटरफेस पर आने के बाद ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जिनके भी नाम से कनेक्शन लेना चाह रहे हैं, उनकी जानकारी आप क्रम से फिल करेंगे। तो आप ऊपर से क्रम से फिल करेंगे तो यहाँ पर जो भी चेकबॉक्स आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करके कंसेंट देना है। कंसेंट देने के बाद फ्रेंड्स, आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक और चेकबॉक्स होगा। तो यहाँ रहा है माई करंट एड्रेस इज सेम एज एड्रेस इन आधार। तो फ्रेंड्स, जो भी आपका करंट एड्रेस और आधार एड्रेस सेम है, तो आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। यदि आपका अलग अलग है तो आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ रहा है आधार नंबर। तो फ्रेंड्स, जो भी आपका आधार नंबर है, वो आप यहाँ फिल करेंगे। फिल करने के बाद जो भी कैप्चा आपको सो रहा है, वो आपको कैप्चा वाले कॉलम फिल करना है। फिल करने के बाद 11 जनरेट OTP। तो फ्रेंड्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ लिंक होगा, उस पर OTP सेंड कर दी जाएगी। वो OTP आपको अगले स्टेप में फिल करनी है। OTP आपको रिसीव होगी, वो आप OTP वाले कॉलम फिल करेंगे। फिल करने के बाद जो भी कैप्चा आपको सो रहा है, वो आपको कैप्चा वाले कॉलम फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा, गेट डाटा फ्रॉम UIDAI। तो फ्रेंड्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद फ्रेंड्स, जिनका भी आधार नंबर आपने वेरीफाई किया है, यहाँ पर आपको उनकी सारी डिटेल्स होंगी, उनका फोटो, नेम, जेंडर, DOB, एड्रेस। तो फ्रेंड्स, जैसे ही उनका डाटा फैच हो जाए, फैच होने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको योर डिटेल्स के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप उनका जो भी नेम है, वो आप फिल करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, जैसा भी है। इतना करने के बाद 11 सिलेक्ट कास्ट। फ्रेंड्स, आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी उनका कैटेगरी है, वही आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर आना है 11 राशन कार्ड डिटेल्स। यदि एप्लीकेंट के पास राशन कार्ड है तो फ्रेंड्स, वही राशन कार्ड नंबर आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे चेक डुप्लीकेट्स पर। तो फ्रेंड्स, उनका राशन कार्ड का डाटा यहाँ पर फैच हो जाएगा। यदि उनके पास राशन कार्ड नंबर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आ रहा है कनेक्शन एड्रेस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन।
तो फ्रेंड्स, आप जिनका भी उज्ज्वला कनेक्शन ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उनका एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। जो भी एड्रेस छूटा हुआ है आप फिल कर सकते हैं, जिसमें आपका एड्रेस आएगा वही आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में ऑप्शन पहला शो होगा लोकेशन टाइप, तो फ्रेंड्स आप जिस भी लोकेशन से आते हैं वही आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, रूरल या अर्बन। इतना करने के बाद आप आगे आएंगे तो आ रहा है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वही आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स फिर से आपको आगे ले आएगा, आप नीचे आएंगे तो आ रहा है सिलेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट है वही आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप फिर से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट विलेज, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी आपका विलेज है वही आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सारे विलेज होंगे, यहाँ से जो भी आपका विलेज है वही आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आगे आ रहा मोबाइल नंबर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो भी एक मोबाइल नंबर है आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप आगे आएंगे, आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आवेदक के बैंक की जानकारी फिल करनी है, जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है IFC कोड और सिलेक्ट करके आ रहा है MICA नंबर, तो फ्रेंड्स आपका जो भी है वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आगे वाले कॉलम में फिर वही डाटा आपको फिर से फिल करना है। जैसे आप फिल करेंगे तो यहाँ पर आपकी बैंक ब्रांच ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी। बैंक ब्रांच फैच होने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर का एक ऑप्शन होगा, जिसमें आप अपना जो भी बैंक का खाता संख्या फिल करेंगे। फिर आगे वाले कॉलम में वही खाता संख्या फिर से फिल करनी है। फिल करने के बाद आगे आपको लास्ट ऑप्शन होगा बैंक ऑप्शन का, योर नेम एज इन बैंक अकाउंट, तो जैसा भी आपकी बैंक पासबुक पर नेम प्रिंट है वही नेम आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ रहा है LPG कनेक्शन डिटेल्स, तो फ्रेंड्स आप जैसा भी सिलेंडर लेना चाह रहे हैं वही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब से यहाँ पर तीन कैटेगरी के होंगे, आप जैसा भी कनेक्शन लेना चाह रहे हैं वही आपको सिलेक्ट करना है। इतना सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पर आपको जो भी आपका एड्रेस है उसकी जानकारी फिल करनी है। इसमें आप देखते हैं यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आधार से डाटा फैच किया है तो यहाँ पर आधार ऑटोमेटिक फैच है। यदि फैच नहीं होता है तो आप यहाँ पर आधार सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप नीचे आएंगे, आने के बाद यहाँ पर आपके सामने अपलोड सेक्शन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेंट हैं उनके डॉक्यूमेंट्स और फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। मैंने आधार OTP के द्वारा KYC किया है, तो अब देखते हैं यहाँ पर POI POA और फोटो ऑटोमेटिक अपलोड हो गया है और उनकी KYC भी कम्प्लीट हो गई है। फिर आपका लास्ट ऑप्शन आ रहा है राशन कार्ड फैमिली कंपोजिशन एनेक्चर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर यदि आपके पास राशन कार्ड है तो वही आपको अपलोड करना है, यानी कि उसकी फोटो कॉपी। आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो फ्रेंड्स ये फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद वो फॉर्म आपको फिल करना है और आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको फॉर्मेट और साइज शो होंगे, तो फ्रेंड्स डाउनलोड करने के लिए यहाँ आए डाउनलोड फॉर्म फॉर फैमिली कंपोजिशन एनेक्चर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और आपके सामने ओपन हो जाएगा। करने के बाद आप यहाँ पर फॉर्म अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स यहाँ पर आप जिनका भी उज्ज्वला कनेक्शन ऑनलाइन कर रहे हैं उनके फैमिली मेम्बर की सारी जानकारी फिल करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर आएंगे, यहाँ ना सिलेक्ट आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उनके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वही नंबर आपको यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। फैमिली सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ रहा सिलेक्ट रिलेशनशिप, तो फ्रेंड्स आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जिनका भी डाटा देना चाह रहे हैं वही आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको उनका नाम लिखना है, फिर आगे वाला कॉलम आ रहा है आधार नंबर, तो जो भी उनका आधार नंबर है वो फिल करेंगे। फिल करने के बाद जो भी DOB है वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर जेंडर ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा, जेंडर फैच होने के बाद जो भी एज है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आने के बाद यहाँ रहा है रीजन फॉर आधार अनअवेलेबल, तो फ्रेंड्स यदि उनके पास आधार नंबर नहीं है तो आप सिलेक्ट रीजन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी रीजन है वही आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे ऐड मेंबर का ऑप्शन होगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका मेंबर ऐड हो जाएगा। ऐसे फ्रेंड्स फिर से आपके सामने कॉलम ओपन हो जाएगा, तो आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना है। जो भी रिलेशन है आप सेलेक्ट करेंगे, डाटा फिल करेंगे और आपको फिर से ऐड मेंबर पर क्लिक करना है। जितने भी मेंबर आप ऐड करना चाह रहे हैं सारे मेंबर आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। यदि आप कोई भी मेंबर डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको डिलीट मेंबर्स का ऑप्शन भी शो होगा, आप उस पर क्लिक करके मेंबर डिलीट भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स होगा, तो आप इस पर क्लिक करके कर देंगे। कंसर देने के बाद जो भी डाटा आपने फिल किया है आप एक बार चेक कर लेंगे, कोई उसमें मिस्टेक तो नहीं है। यदि कोई मिस्टेक है तो आप सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आ रहा है सबमिट, तो फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे सबमिट पर। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा, यहाँ पर आपको होगा कि जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो सफलतापूर्वक सेव हो गया है और उसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा।
तो फ्रेंड्स आप उसे नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद ये प्रोसेस आपका कम्प्लीट हो जाएगा। ये प्रोसेस कम्प्लीट होने के बाद फ्रेंड्स आपसे हैं यहाँ पर आपको इसका स्टेटस चेक करना है। चेक करने के लिए यहाँ पर आपको चेक स्टेटस का ऑप्शन होगा, तो फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पर आपके सामने स्टेटस चेक करने के ऑप्शन होंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी एप्लीकेंट की जानकारी है आप क्रम से फिल करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है रेफरेंस नंबर, तो जो भी रेफरेंस नंबर आपको रिसीव हुआ है वही फिल करेंगे। फिल करने के बाद एप्लीकेंट का जो भी DOB है वो आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो भी कैप्चा आपको शो रहा है वो आप कैप्चा वाली कॉलम फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आपको चेक स्टेटस का ऑप्शन होगा, तो फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपके आवेदन का स्टेटस होगा। तो फ्रेंड्स आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आपने सेलेक्ट किया है आप वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से उज्जवला योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आप फ्री गैस कनेक्शन योजना का लाभ ले सकते हैं। और ये कनेक्शन होने के बाद आपको समय समय पर सरकार के द्वारा फ्री में सिलेंडर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये थी आज की जानकारी, आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें।